संगठन के विस्तार के साथ साथ सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज भाजपा कार्यालय गुरुग्राम में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 5 जिलों के पदाधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। तो वहीं साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को जो है जीत का मंत्र दिया, और वहीं साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा का 2 दिवसीय दौरे को लेकर भी इस पूरी बैठक में मंथन किया गया। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की हत्या के आरोप में जेल में बंद सुधीर सांगवान की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। सुधीर सांगवान का एक और कारनामा सामने आया है। सुधीर सांगवान के पासपोर्ट में फर्जी तरीके से बनवाया गया था, यह आरोप लगाया है रोहतक के रहने वाले दो के करण सिंह अहलावत का। करण सिंह अहलावत ने बताया कि 2016 में सुधीर सांगवान उनके मकान में किराए पर रहता था और उसके बाद उन्होंने यह पासपोर्ट बनवाया था, लेकिन अभी तक उन्हीं के मकान का एड्रेस उसके पासपोर्ट में है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी कोई व्यक्ति पासपोर्ट बनवाता है तो उनका परमानेंट एड्रेस होता है, लेकिन सुधीर सांगवान का अभी भी वही एड्रेस है और वह किस तरीके से यह बनाया गया है, इसी को लेकर उन्होंने कहा कि यह गलत है और इसके तरीके से इसकी जाँच होनी चाहिए। अभी भी लोग उसी एड्रेस पर आते हैं और उसी को लेकर उन्होंने यह आपत्ति जताई है। 28 अगस्त 2015 को पूरे हरियाणा के अंदर महिला थाने खोले गए थे और सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया था ताकि जो महिला है वो अपनी समस्या पूरी तरीके से जो है पुलिस अधिकारी को बता जा सके, और इसमें महिला ही स्टाफ क्रम तरह रखे गए थे। हालांकि गीता मैडम एस एच ओ का साफ तौर पर कहना है कि 2015 से और 2022 तक अब तक जो है 1000 से ज़्यादा केस ऐसे सामने आए हैं। हालांकि कुछ केस ऐसे भी सामने आए हैं जो कि घरेलू हिंसा के हैं और उनको जो है निपटारा किया जाता है वहाँ बैठाकर, और लगातार जो है जो भी अगर कोई महिला किसी को कोई महिला को कोई तंग करता है या घरेलू हिंसा के कोई शिकार बनती है उसको भी जो है तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लिया जाता है। और स्कूल कॉलेजों की बात की जाए तो स्टूडेंटों को लगातार जागरूक किया जा रहा है दुर्गा शक्ति के ऐप के द्वारा। हालांकि ये जो है पूरे हरियाणा के अंदर वरदान साबित हुई है। नारकोटिक सेल यमुनानगर द्वारा एक युवक को बुलेट पर नशीला पदार्थ बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एंटी नारकोटिक सेल यमुनानगर के प्रभारी भूप सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश से हरियाणा में एक युवक बुलेट मोटरसाइकिल पर नशा बेचने के लिए आता है, जिस पर उन्होंने कलानौर पुल के पास वाहनों की जांच शुरू कर दी। इस दौरान एक युवक सहारनपुर की तरफ से बुलेट मोटरसाइकिल पर आया, जिसकी तलाशी के दौरान उसके पास से 12 ग्राम स्मैक पुलिस के हाथ लगी। पुलिस ने बताया कि खेल विभाग के अधिकारी ललित को मौके पर बुलाकर युवक की तलाशी ली गई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले भी कई मामलों में वांछित है। बता दें कि यमुनानगर नारकोटिक सेल द्वारा अगस्त महीने में 1 दर्जन से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है और इसी बीच जारी है दिल्ली का विधानसभा सत्र। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा सत्र में जिस तरह से आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बेबाक तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर सामने रखे हैं, उससे जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने ये बात साफ कर दी है कि सीबीआई ईडी पूरी जाँच कर चुकी है, कुछ नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा पेच जो है वो फंसाया जाए जिसके बाद मनीष सिसोदिया जेल में जरूर जाए। तो मनीष सिसोदिया ने ये बात साफ कर दी है कि अगर मुझे जेल भी जाना पड़ा तो मुझे कोई भी गिल्टी नहीं है, मुझे कोई भी हिचक नहीं है, देश के भले के लिए मैं जेल जा सकता हूँ। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता लगातार दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उनका ये आरोप है कि जब उन्होंने उस समय जो घोटाला किया था उसे लेकर अब उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। दरअसल मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं कि विनय कुमार सक्सेना ने करीबन 1400 करोड़ का घोटाला किया है।
तो वह ऐसे पद पर काबिल कैसे हो सकते हैं, उन्हें एलजी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बात तो मनीष सिसोदिया की बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह से आरोप तो सत्येंद्र जैन पर भी लगे हैं, तो अब देखना ही होगा कि क्या एलजी अपने जो आरोप है वो साफ सिद्ध कर पाते हैं या फिर नहीं। और जिस तरह से सत्येंद्र जैन के ऊपर अभी तक सीबीआई का शिकंजा है वो कब दूर होता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के ऊपर का जो शिकंजा है वो कहीं ना कहीं अब छटता हुआ नजर आ रहा है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अभी 2021 में हुए तमाम अपराधों के बारे में ब्यौरा दिया है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अपराध दिल्ली में देखे गए हैं, तो वहीं यूपी के ऊपर भी उसने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल साल 2021 में यूपी के अंदर महज एक ही दंगा हुआ है, यानी इसे कहा जा रहा है, जो कि योगी सरकार की एक तरह से उसके घोषणा पत्र में भी लिखा था कि वो दंगा मुक्त यूपी करेंगे, उसमें वो कामयाब भी रहा है और 2021 में महज एक ही दंगा वहां पे देखने को मिला है। वही बात करें तमाम अपराधों की, तो करीब 60 लाख केसेस दर्ज हुए थे 2021 में, और जब इसकी पहली रिपोर्ट आई थी यानी 1948 में, तब 6 लाख के करीब केस दर्ज हुए थे। यानी आजादी के बाद से अब 2021 तक करीब 10% क्राइम बढ़ चुका है। वही देखने वाली बात है कि इन तमाम 60 लाख केसेस में से 31,000 महज रेप के हैं, और इनमें से कितने सामने आए थे मामले वो जग जाहिर है। देखने वाली बात है कि आगे और भी कई सारे केसेस को लेकर खुलासा हुआ है, कई सारे केसेस पे रिपोर्ट आई है जिसके ऊपर कितने ही तमाम आंकड़े सामने देखने को मिले हैं। देखने वाली बात है कि आखिर केस किस तरह से सुलझाए जाते हैं, उन पर भी कई मुद्दों को लेकर इस एनसीआरबी की रिपोर्ट में बयान जारी किया गया है। वहीं देखने वाली बात है कि जो यूपी के एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने बोला है कि यूपी के अंदर जिस तरह से यूपी पुलिस काम कर रही है या फिर जिस मॉडल को अपनानी है, उसके जरिए इन केसेस में कमी देखने को मिली है। अब दिलचस्प होगा कि आखिर 2022 में आने वाली जो भी तमाम रिपोर्ट होगी उसमें क्या आंकड़े सामने आते हैं। इन दिनों कांग्रेस पार्टी के सितारे गर्दिश में नजर आए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल शुक्रवार को गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद से ही उनके साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारा चंद के साथ 64 और विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की हालत बस से बदतर होने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको हमने विस्तार से बता दिया। साथ ही हम आपको बताते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या बताई थी। गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि मुझे जबरदस्ती घर से निकाला गया है, हम जो कांग्रेस के पार्टी में सुझाव रखे जाते हैं वो माने ही नहीं जाते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाम नबी आजाद ने जो दूसरी पार्टी बनाने की अपनी बात रखी है वो अपने आप में ही एक अलग बात है, उसका अपना एक अलग महत्व है। अगर वे आगे चल के पार्टी बनाते हैं, जम्मू कश्मीर में उनको सीटें मिलती है, तो बीजेपी उनके साथ अलायंस करके उसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलेगा। साथ ही बीजेपी देखा, आपने पहले भी हम देख चुके हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते रहते हैं वो विधानसभा में, और कल गुलाम नबी आजाद ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं उनको क्रूर समझता था, लेकिन वे एक क्रूर व्यक्ति नहीं है, वे उनके अंदर एक इंसानियत है। तो देखने वाली बात यही होगी कि क्या गुलाम नबी आजाद का ये स्टेप कांग्रेस पर भारी पड़ेगा और बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के लिए साल 2022 सबसे भाग्यशाली साबित हुआ है। अब उनके नाम एक और नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 3 में एंट्री करने वाले पहले भारतीय और एशियाई बिजनेसमैन बन चुके हैं। कुछ साल पहले भले ही दुनिया के काफी सारे लोग उन्हें नहीं जानते हो, लेकिन अब पूरी दुनिया उन्हें जान चुकी है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार अडानी ने अब लुई विटो के चेयरमैन बर्नर्ड आर्नोल्ड को पीछे छोड़ दिया है। अडानी की नेटवर्थ बढ़कर $137.4 बिलियन हो चुकी है। अब अडानी समूह के चेयरमैन से आगे सिर्फ टेस्ला के CEO एलन मस्क और अमेजोन के फाउंडर जेफ बेसोस हैं। दुनिया भर के शेयर बाजारों में भले ही मंदी देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे दौर में भी अडानी अपनी तरक्की का परचम लहरा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बिजनेस की इस दुनिया में अडानी अपनी बादशाहत को कब तक बरकरार रखते हैं। इंद्री की पश्चिम यमुना नहर में आज सुबह एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त यमुनानगर के प्रताप नगर के युवक विकास के रूप में हुई है। इसकी शिनाख्त उसके परिजनों ने की है, और जैसे ही इस शव की सूचना नहर के अंदर मिली तो तुरंत ही यमुनानगर पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर यमुनानगर की पुलिस ने पहुंच करके शव को इस नहर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए करनाल भेज दिया है। आपको बता दें कि 27 तारीख से विकास लापता हुआ था अपने घर से,
और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी प्रताप नगर के पुलिस स्टेशन में। जब उसका सर्च अभियान चलाया तो उसकी बाइक जो है पश्चिम यमुना नहर के किनारे खड़ी हुई मिली और उसके बाद उसके शव की तलाश इस पश्चिम यमुना नहर में शुरू कर दी गई और आज तीसरे दिन उसका शव इंद्री से बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद कार्रवाई आरंभ कर दी है।